कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और माशाल्लाह और रमज़ान का महीना जो है वो मुकम्मल होने वाला है, तो ईद की आमदाम है। महमूदाबाद और
महमूदाबाद की तरफ, और वो निकलती है हमने यहाँ से जाना है सीधा सीधा। अभी सिग्नल जो है वो बंद है तो वेट करते हैं सिग्नल खुलने का। आज जो है मैं सिग्नल पे वीडियो को कट नहीं करूँगा, जैसे ही खुलेगी जब तक आपसे जो है वो बातचीत करते हैं। और ये सिग्नल आज जल्दी ही ओपन हो गया। अगर आप ब्रिज से ऊपर ओवरहेड फ्लाईओवर से निकलते हैं तो शाराए फैसल पे निकलते हैं, और जो एयरपोर्ट वाली साइड में जिसको जाना हो या नर्सरी की तरफ जाना हो और ट्रिंक रोड की तरफ जाना हो, और आगे से अगर ब्रिज से आप लेफ्ट से नीचे उतरते हैं तो सदर की तरफ रोड निकलती है। तो यहाँ से हमने वो लेफ्ट नीचे से आए और यहाँ से हम लेफ्ट साइड से जो है वो निकलेंगे। ये एक बड़ी मसरूफ़ तरीन रोड है शाराए फैसल। किसी दिन जो है वो इस शाराए फैसल का जो है ट्रिप लेंगे। मे बी भोजपुर से जो है वो हम लें रिंग रोड तक, और या फिर देखते हैं कोई प्रोग्राम बनाते हैं इसका ट्रिप लेंगे, आपको दिखाएंगे पूरी। बड़ी मसरूफ़ तरीन जो है वो कराची की मशहूर, मतलब कराची की क्या पूरे पाकिस्तान की मशहूर जो है वो रोड है शाराए फैसल। बहुत ही मसरूफ 24 आवर्स जो है ये मसरूफ रोड है। ये देखें बिल्डिंग्स साइड पे, और ये मेरी लेफ्ट साइड पे अगर आपको थोड़ा सा व्यू नज़र आ रहा हो तो ये रिजर्ट प्लाजा है, होटल है बहुत बड़ा VIP होटल है रिजर्ट प्लाजा के नाम से। और यहाँ से अगर मैं उल्टे हाथ से अगर यहाँ से अगर मैं निकलता हूँ तो ये पीछे जो है वो जिना हॉस्पिटल और कार्डियो सेंटर्स वगैरह जो यहाँ पे हैं, और ये फ्लाईओवर जो ऊपर से गुजर रहा है तो ये जो है वो सीधा जो है वो सदर की तरफ जो है वो जाता है। मेरी राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे जो है ये आर्मी एरिया है, ठीक है। और ये देखें खूबसूरत मंजर है सुबह सुबह का, और रोड जो है वो आज मुझे बिल्कुल क्लियर मिला है। सिर्फ एक सिग्नल पे जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा रुकना पड़ा और बाकी क्लियर था। और मतलब ये कि मैं 10 मिनट में अगर ये ट्रैफिक होती तो मे बी मुझे जो है ना वो हाफ एन आवर लग जाता, लेकिन विद इन 10 मिनट जो है वो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत नॉर्मल स्पीड से आया हूँ मैंने कुछ ज़्यादा। ये है मेट्रोपोल, और यहाँ से जो है वो अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ तो रोड निकलती है VIDC से, और अगर मैं यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ तो ये क्लिफ्टन साइड पे 3 तलवार पे जाके
अब टच होते हैं और मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ। राइट लेने के बाद जो है वो निकलेंगे फवारा चौक से होते हुए जो है वो सीधा शाइन कॉम्प्लेक्स। ये मेट्रोपोल है और ये मेरी राइट साइड पे जो है वो अगर आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स, ये आगे एक जो बिल्डिंग है यहाँ पे मैं काफ़ी अर्सा जो है वो जॉब कर चुका हूँ। ये है ट्रेड टावर बिल्डिंग, ये जहाँ पे ये कार खड़ी है इस बिल्डिंग में। और 2007 को मैंने यहाँ कंपनी से रिटायर किया था। ये है फवारा चौक, जैनब मार्केट की तरफ रास्ता निकलता है। राइट साइड पे अगर लेता हूँ और मैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे दो रोड्स हैं और दोनों जो है वो शाइन कॉम्प्लेक्स है। ये जो मेरी लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ है ये भी शाइन कॉम्प्लेक्स पर टच होती है, और जिस रोड पे भी मैं जा रहा हूँ ये भी जो है वो शाइन कॉम्प्लेक्स पर टच होती है। तो ये था सुबह का कुछ मंजर। सोचा वीडियो बनाया जाए जो अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर की जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। ये लेफ्ट साइड पे पेट्रोल पंप है और बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। यहाँ से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकलेंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत। मेन के दोनों तरफ से जो है वो दरख्त जो है वो रोड के ऊपर आए हुए हैं और आप जो है वो बीच में से गुजर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत ऐसा लग रहा है कि किसी जो है वो नॉर्थन साइड के इलाके से हम गुजर रहे हैं। इस टाइम बहुत कम देखने को मिलती है जगह कराची में। और ये है शाइन कॉम्प्लेक्स और यहाँ से जो है वो हम स्ट्रेट निकलेंगे और यहीं पे हमारी वीडियो का जो है वो इख्तिताम भी हो जाएगा। और जाते जाते सबसे पहले आप लोगों के लिए ये अल्लाह पाक आप सबका आमीन नासिर हो, अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुशी नसीब करे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कहीं ना कहीं कोई कमी पेशी है तो उसका बताएं ताकि उसको जो है वो मज़ीद बेहतर किया जा सके, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है। और प्लीज़ प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो देख रहे हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सिर्फ़ एक बटन को प्रेस करना है आपने और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।